मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 13 ऑफ इंग्लिश ग्रामर. दिस इज प्रेपोजिशंस. ए प्रेपोजिशंस टेल्स अस अबाउट द पोजिशन ऑफ ए नाउन इन अ सेंटेंस. जो सेंटेंस के अंदर, किसी वाक्य के अंदर नाउन की पोजिशन बताई जाती है, तो पोजिशन मतलब जो जगह बताई जाती है उसे हम प्रपोजिशन कहते हैं. इट आल्सो टेल्स अस द कनेक्शन बिटवीन टू नाउन्स, और यह टू नाउन्स के बीच के कनेक्शन के बारे में भी हमें बताता है. जैसे कि हम अभी भी पढ़ेंगे, विने इज़ लुकिंग फॉर हिज पेट डॉग ब्रूनो. जो विने हैं वो लुकिंग मतलब देख रहा है अपने पेट को, पालतू को, डॉग ब्रूनो को. ब्रूनो इज़ हाइडिंग इन डिफरेंट प्लेसेस. जो ब्रूनो है, जो उसका डॉग है, हाइडिंग मीन्स छिपना, डिफरेंट प्लेसेस में छिप रहा है. सर्कल द वर्ड्स डैट टेल द पोजिशन ऑफ ब्रूनो. वन हैज़ बिन डन फॉर यू. ब्रूनो इज़ सिटिंग ऑन द ट्री. जो ब्रूनो है वो ट्री के ऊपर बैठा है. ऑन मीन्स होता है ऊपर. सभी बोलिए ऑन मीन्स ऊपर. ऑन मीन्स ऊपर. ऑन इज द पोजिशन वर्ड. इट मीन्स यहाँ पर नाउन की बताई गई है क्या पोजिशन बताई गई है, कहाँ पर है वो, ऊपर है. तो यह है प्रपोजिशन. ऑन यहाँ पर प्रपोजिशन है और ऑन मीन्स होता है ऊपर. नेक्स्ट देखिए, अब ब्रूनो फिर कहाँ छुप गया. ब्रूनो इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री. जो ब्रूनो है वो ट्री के पीछे खड़ा है. तो बिहाइंड मीन्स होता है पीछे. और यहाँ पे यहाँ पर इसकी पोजिशन वर्ड क्या है, कहाँ खड़ा है वो, पीछे. पीछे को हम बोलते हैं बिहाइंड. आपको इनके मीनिंग लर्न करने होंगे. बिहाइंड मीन्स पीछे. सभी बोलिए बिहाइंड मीन्स पीछे. अब इसकी पोजीशन कहाँ है. ब्रूनो इज़ हाइडिंग इन द ट्री. अब वो ट्री के अंदर है. इन मीन्स होता है अंदर. तो यहाँ पे पोजीशन वर्ड क्या है, इन. इन मीन्स अंदर. यह भी प्रपोजिशन वर्ड है. अगर मैं आपसे पूछूँ टेल मी सम प्रपोजिशन वर्ड्स, तो आप क्या बोलोगे, ऑन, इन, बिहाइंड. नाउ ब्रूनो इज़ हाइडिंग अंडर द बेंच. अब वो बेंच के देखो नीचे है ना, आपको दिख रहा है ना, तो इट मीन्स इसकी पोजीशन क्या है, नीचे. नीचे को हम क्या बोलेंगे, अंडर. अंडर मीन्स नीचे. ये है इसका प्रपोजिशन वर्ड, पोजिशन वर्ड. ब्रूनो इज स्टैंडिंग नियर द रॉक. अब पत्थर के पास खड़ा है, पत्थर के पास छिपा हुआ है वो. तो नियर मीन्स होता है पास. इसकी पोजिशन क्या है यहाँ पर, नियर. तो नियर इज द प्रपोजिशन वर्ड इन दिस सेंटेंस. द वर्ड सर्कल्ड बाई यू आर कॉल्ड द प्रपोजिशंस. तो इट मीन्स हमारे प्रपोजिशन वर्ड्स क्या हुए बेटा, ऑन. ऑन मीन्स ऊपर. बिहाइंड मीन्स पीछे. इन मीन्स अंदर. अंडर मीन्स नीचे. नियर मीन्स पास. लेट्स लर्न प्रपोजिशन. ए प्रपोजिशन टेल्स अस अबाउट द पोजिशन ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस. इट आल्सो टेल्स अस द कनेक्शन बिटवीन टू नाउन्स. टू नाउन्स के बीच के बारे में जो कनेक्शन बताता है, जो पोजिशन होता है सेंटेंस के अंदर, जो नाउन की पोजिशन बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रपोजिशन वर्ड्स. लुक एट द प्रपोजिशंस ऑफ द रैबिट एंड रीड द सेंटेंसेस. द रैबिट इज सिटिंग इन द बॉक्स. अब रैबिट जो है वो कहाँ बैठा है, बॉक्स के अंदर. तो हम यहाँ पर क्या लिखें, यहाँ पर जो इन है, इन मीन्स अंदर. तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर अंदर है तो इन आएगा, ऊपर है तो ओन आएगा, पीछे है तो बिहाइंड आएगा, पास है तो नियर आएगा. आपको जब तक इसके मीनिंग लर्न नहीं होंगे, इनके मीनिंग आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी आप इसको फील कर पाओगे. द रैबिट इज सिटिंग ऑन द टेबल. जो रैबिट है वो कहाँ पर बैठा है, टेबल के ऊपर. तो इट मीन्स क्या आएगा यहाँ पर, ऑन. क्या आएगा यहाँ पर, ऑन. द रैबिट इज सिटिंग ऑन द टेबल. अब ऊपर बैठा है तो यहाँ पर इसकी पोजिशन वर्ड क्या है, ऑन. द रैबिट इज हाइडिंग अंडर द टेबल. जो रैबिट है वो कहाँ पर है, टेबल के नीचे. नीचे मीन्स अंडर. अंडर जो है इसका पोजिशन वर्ड है. अब द रैबिट ओवर जंप्स ओवर द बॉल. अब यहाँ पर आपको ओवर, देखो बेटा ऑन मीन्स भी ऊपर होता है और ओवर मीन्स भी ऊपर होता है. जब टेबल के ऊपर कोई चीज पड़ी है, अब ये बिल्कुल टेबल के ऊपर है ये चीज, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, ऑन. अगर यही बॉल यहाँ पर है तो इट मीन्स यहाँ पर तो आएगा ऑन, और यहाँ पर क्या आएगा आपका,
ओवर, यहाँ पर क्या आएगा ओवर, जब थोड़ी सी कोई चीज ऊपर होती है तो उसको वहाँ पर क्या आएगा ओवर, जैसे देखो ये बोल से थोड़ी सी ऊपर है तो यहाँ पर क्या आएगा ओवर, जा रैपिड जंप्स ओवर द बॉल, जैसे मैं टेबल पर बैठी हूँ नीचे और मेरे ऊपर पंखा है तो यहाँ पर फिर ओवर आएगा, द रैबिट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द बॉल, इन फ्रंट मीन्स सामने, जो रैबिट है वो कहाँ बैठा है बॉल के बिल्कुल सामने, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, अगर आपके कोई सामने खड़ा है, आपके पापा मम्मी खड़े हैं तो वो कहाँ पर खड़े हैं आपके, इन फ्रंट ऑफ, द रैबिट इज हाइडिंग बिहाइंड द बॉल, बिहाइंड जैसे मैंने आपको बताया था पीछे, जो रैबिट है वो कहाँ छिपा हुआ है बॉल के पीछे, द वर्ड्स इज ऑन अंडर ओवर इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड आर प्रेपोजिशन वर्ड्स, टेल मी सम प्रेपोजिशन वर्ड्स, बोलो बच्चों, इन ऑन अंडर ओवर इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड, रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स होता है ये आपके याद करने वाली चीज़ें हैं, प्रेपोजिशंस आर कॉल्ड पोजिशन वर्ड्स, पोजिशन वर्ड्स के बारे में बताता है, दे टेल अस अबाउट द पोजिशन ऑफ समथिंग और समवन, और समथिंग किसी चीज़ के लिए और किसी के लिए पोजिशन बताता है वो कहाँ पर है, प्रैक्टिस टाइम, look at the pictures and fill in the blanks, use the prepositions given in the help box, the cup is dash the table, look at the picture, where is the cup, cup is on the table, table के ऊपर है तो क्या आएगा यहाँ पर on, the dog is sleeping dash the chair, अब देखिए कहाँ पर है dog, चेयर के नीचे तो क्या आएगा यहाँ पर अंडर, जैसे कि मैंने आपको, अगर आपको इनकी इंग्लिश की हिंदी, हिंदी की इंग्लिश पता है तो आप इजीली कर लोगे, जैसे कि आपको पता है कि नीचे की इंग्लिश क्या होती है अंडर, तो आप इजीली यहाँ पर लिख दोगे, द बॉय इज हाइडिंग डैश द ट्री, अब बॉय कहाँ पर है पेड़ के पीछे, तो पीछे को हम क्या बोलते हैं बिहाइंड, द माउस इज जम्पिंग डैश द बॉल, अब जो जैसे मैंने आपको बताया जब थोड़ी सी कोई ऊपर चीज हो तो हम वहाँ पर क्या यूज करते हैं ओवर, बाउल के ऊपर है थोड़ी सी, द बॉय इज स्टैंडिंग डैश द मिरर, जो बॉय है वो कहाँ खड़ा है मिरर के सामने, मिरर मीन्स शीशा, इन फ्रंट ऑफ के सामने मीन्स इन फ्रंट ऑफ, पिक द करेक्ट प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको क्या करनी है यहाँ पर इसको पिक्चर को देखना है और जो प्रपोजिशन सही है उस पर टिक लगाना है, आई फाउंड ए बॉल, बॉल कहाँ है देखिए बेटा आपको दिख रही है बॉल, पर्दे के पीछे है तो पीछे को हम क्या बोलते हैं बिहाइंड, तो यहाँ पर क्या आएगा बिहाइंड, द कीज आर द टेबल, जो कीज है वो टेबल के ऊपर है तो ऊपर को हम क्या बोलते हैं ऑन, तो इट मीन्स क्या आएगा यहाँ पे ऑन, देर आर मैनी बॉयज प्लेइंग द ग्राउंड, प्ले के अंदर खेल रहे हैं प्ले, तो इन, कपिल कीप्स हिज बुक्स हिज बैग, जो बुक्स है वो बैग के अंदर है ना, तो क्या आएगा यहाँ पर इन, द पैरट इज फ्लाइंग द ट्री, जो पैरट है वो ट्री के थोड़ी से ऊपर उड़ रहे हैं तो क्या आएगा यहाँ पर ओवर, वॉक एक्टिविटी टाइम, वॉक अराउंड योर हाउस एंड ऑब्जर्व डिफरेंट थिंग्स कैप्ट एट डिफरेंट प्लेसेस, मेक फाइव सेंटेंसेस यूजिंग द प्रेपोजिशन वर्ड्स, इट मीन्स इन, ऑन, अंडर, ओवर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, रीड देम अलाउड इन द क्लास, आप ऑब्जर्व कीजिए आपके हाउस के पास प्लेसेस कौन कौन सी चीज़ें रखी हैं, तो आपको उनमें इस पोजिशन वर्ड्स का यूज़ करके सेंटेंस बनाना है, द सोफ़ा इज़ इन द लिविंग रूम, द फ्लावर पॉट इज़ ऑन द टेबल, द टब इज़ अंडर द टैप, द फैन इज़ ओवर द टेबल, द बुक्स आर कैप्ट बिहाइंड द कर्टेन, द टेबल इज़ इन फ्रंट ऑफ सोफ़ा, लर्न विथ वन, लुक एट दिस पिक्चर, कंप्लीट द सेंटेंसेज एज पर द पोजिशंस ऑफ द बॉल्स, यूज प्रपोजिशंस गिवन इन द हेल्प बॉक्स, आपको यहाँ पर वही सेम करना है, आपको एक पिक्चर दे दी गई है जैसे आपको बताया गया है, द रेड बॉल इज, अब रेड बॉल कहाँ है टेबल के ऊपर तो ऑन आएगा, द ब्लू बॉल, बॉल ब्लू बॉल कहाँ है टेबल के नीचे तो अंडर आएगा, ग्रीन बॉल कहाँ है रेड बॉल के पीछे तो इन बिहाइंड आएगा, द येलो बॉल के सामने है, देखो जरा रेड बॉल के सामने है तो क्या आएगा इन फ्रंट ऑफ, द ब्लैक बॉल इज
ब्लैक बोल कहाँ है, वो बॉक्स के अंदर है, ये देखिए, तो इन आएगा। नाउ चैप्टर हैज़ कम्प्लीटेड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।